दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार फरीदाबाद ज़िले की जो दो विधानसभा क्षेत्र हैं, फरीदाबाद 89 और बड़खल 87, पंजाबी समुदाय ने शनिवार को एक होटल में बैठक करके अपना दावा इन दो सीटों पर ठोका है और कल वो यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस आला कमान है उनको ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। इन संभावित प्रत्याशियों ने कहा है, देश रोजाना को बताया है कि रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान, एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया और जो स्कैनिंग कमेटी के प्रभारी हैं, ये सब लोगों को वो अजय माखन जी स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इन सब को रविवार को वो ज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे कि दो सीटों पर पंजाबी समुदाय का दावा बनता है, एक ओल्ड फरीदाबाद सीट और बड़खल फरीदाबाद सीट। और जो आज यानी शनिवार को इन्होंने एक स्थानीय होटल में बैठक करके आला कमान के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। शनिवार को हुई बैठक में जो भी संभावित उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जो मुख्य रूप से 9 तो ओल्ड फरीदाबाद से जो संभावित उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है और 4 वो संभावित उम्मीदवार जिन्होंने बड़खल सीट से नामांकन चंडीगढ़ जाके दाखिल किया, वो लोग शामिल थे। यदि मैं इन नामों की बात करूं तो ओल्ड फरीदाबाद से जिन्होंने नामांकन किया है कांग्रेस के सीट के लिए, इसमें बसंत बिरवानी, एक सीनियर डिप्टी मेयर फरीदाबाद, संजीव सलूजा, राजेश आर्य, आर के मल्होत्रा, मदनलाल आजाद, खुशदिल दिल सहगल कपूर, कविश सलूजा, राखी सेठी। राखी सेठी कांग्रेस की भजनलाल सरकार में चेयरमैन रही संध्या बजाज की बेटी हैं। और कविश सलूजा कांग्रेस नेता वासदेव सलूजा का पोता है, ग्रैंडसन है। और इसमें संजीव सलूजा वासदेव सलूजा का बेटा है। इसके अलावा संचित कोली, ये भी व्यवसायी है, इनका बड़ा जूतों का व्यवसाय है, इन्होंने भी चंडीगढ़ जाके कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया है। और ओल्ड फरीदाबाद से जो 4 नाम मुख्य रूप से जिन्होंने नामांकन किया है जो पंजाबी समुदाय के हैं, जो आज की एक होटल में हुई हंगामी बैठक में शामिल थे, इनमें हैं गुलशन बग्गा, जो पहले एनआईटी से एक बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, योगेश ढिंगला जो निवर्तमान नगर निगम के पार्षद रहे हैं, भारत अरोड़ा जो मेयर अशोक अरोड़ा के बेटे हैं, सुरेंद्र अरोड़ा यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता है। इन सब ने आज मिलकर हंगामी बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने कहा है के ओल्ड फरीदाबाद सीट पर 70,000 से ज़्यादा पंजाबी समुदाय के वोट हैं, इसलिए इस सीट पर उनका हक बनता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, दावा किया है कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र पर बड़खल 87 सीट पर भी पंजाबी समुदाय का दावा जायज़ है। इस सीट पर 1.5 लाख से ज़्यादा पंजाबी वोटर हैं, उसके बावजूद पंजाबी समुदाय की अनदेखी करके कांग्रेस ने आज तक टिकट नहीं दिया है। यही नहीं, इनका ये भी दावा है कि जो अपनी बड़खल सीट से 2009 में जब ये पहली बार बनी थी तो कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी इस सीट से विधायक बने थे और पंजाबी समुदाय ने उनका खुलकर समर्थन किया था। चूँकि अनुशासन की बात थी, ऊपर से दबाव था कि अब इनको महेंद्र प्रताप जी को कांग्रेस आला कमान ने टिकट दिया है तो पंजाबी समुदाय को इनको जिताने का काम करना चाहिए। तो गुलशन बग्गा और ये सारे जो संभावित उम्मीदवार हैं, इनका कहना है कि हमने उनका भरपूर सहयोग किया और उन्हें जिताया, भारी मतों से जिताया। लेकिन 2014 के चुनाव में महेंद्र प्रताप जी हार गए, 2019 के चुनाव में बड़खल से उनके बेटे विजय प्रताप को टिकट मिला, वो भी चुनाव हार गए, हालांकि थोड़े से वोटों से हारे थे, 2,500 के आसपास। और 2019 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए। तो 3 चुनाव हारने के बाद भी यदि महेंद्र प्रताप के परिवार को टिकट दिया जाता है, उनके बेटे विजय प्रताप को टिकट दिया जाता है, तो ये पंजाबी समुदाय की अनदेखी होगी और पंजाबी समाज के साथ नाजायज़ बात होगी। तो इसी तरीके से पंजाबी समुदाय उबल रहा है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज उन्होंने हंगामी बैठक की है और रविवार सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस हाईकमान के सभी आला अधिकारियों को ज्ञापन देने जा रहे हैं, सब मिलने जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, जिसमें गुलशन बग्गा ने इनके नाम बताए, कि भाई यदि हमें 2 सीटें नहीं दी जाती हैं, ओल्ड फरीदाबाद और हम बड़खल सीट मांग रहे हैं, तो कम से कम कांग्रेस हमारा इतना मान तो रखे कि 1 सीट पर तो हमें टिकट दे। और इसका कारण वो ये भी बताते हैं कि बड़खल सीट में सारा वो इलाका जोड़ा गया ज़्यादातर जहाँ पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी समुदाय के लोग 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और यहाँ से हमेशा पंजाबी समुदाय के नेता जीतते रहे हैं जब तक बड़खल विधानसभा नहीं बनी थी। लेकिन जब हमने महेंद्र प्रताप परिवार का इस मुद्दे पर पक्ष जानना चाहा तो उनका मानना है कि, या उनके करीबी लोगों का भी, महेंद्र प्रताप जी का भी या विजय प्रताप का भी, कि विजय प्रताप कहते हैं कि 2,500 वोटों से मैं हारा, बल्कि हारा नहीं था, एक तरीके से तिगड़म करके, बेईमानी करके, कई तरीके की मुझे हराया गया था। और बाकी चुनावों के बाद में बारे में कांग्रेस के जो मतलब पुराने नेता है महेंद्र प्रताप जी, उनका बड़ा सम्मान है इस क्षेत्र में। कई बार वो विधायक बने हैं और मंत्री बने हैं हरियाणा सरकार में। तो इन हारों के बारे में बताते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि 2014, 2019 न केवल फरीदाबाद, न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। और उस मोदी लहर में, चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, या ये वर्तमान 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो, उसमें सब धराशायी हो गए। इन दो चुनावों में जो विधानसभा के हुए थे 2014-2019 के, कांग्रेस भी हरियाणा में हारी और सत्ता में नहीं आ सकी। उसी दौर में हम भी चुनाव हारे। लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप ये भी दावा करते हैं कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं लोकसभा का चुनाव हारा, तो उसमें पिछली बार से 5 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस को पड़े। यानी जो भाजपा के उम्मीदवार किशनपाल गुर्जर थे, वो पिछली बार 6.5 लाख वोटों से करीब जीते थे, लेकिन हमने उनकी जीत को बहुत कम मार्जिन पर ले आए। 5 लाख से ज़्यादा हमने उनके वोट काटे। और जो चौधरी महेंद्र प्रताप ये भी कहते हैं कि जो हम चुनाव जीते वो इसलिए कि इन लोकसभा चुनावों तक मोदी फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन 2014 के जो देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद मोदी फैक्टर अब आने वाले किसी भी चुनाव में अपना काम नहीं करेगा। यानी अब मोदी जी के नाम से वोट नहीं डलेंगे। जनता भी समझ चुकी है, वोटर भी समझ चुके हैं कि अब मोदी लहर खत्म हो चुकी है या समाप्ति की ओर है। इसलिए इस बार जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, चाहे वो बड़खल सीट है, चाहे वो ओल्ड फरीदाबाद सीट है, चाहे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की जो 9 सीटें हैं, उनमें से न केवल हम फरीदाबाद सीट जीतेंगे, बड़खल सीट जीतेंगे और अन्य कई सीटें भी जीतेंगे। और भाजपा का सपना इस बार फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में लगभग चकनाचूर हो जाएगा। और वो ये भी दावा करते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनना तय है। और वो उसके लिए ये भी कहते हैं कि मेरी बात मत मानिए, जितने भी मतलब ओपिनियन पोल आ रहे हैं या सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे में 50 सीट से ज़्यादा, चाहे वो 58 सीट हों, 60 हों, 65 हों, लेकिन 50 सीट से ज़्यादा हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिलने जा रही हैं। और उन्होंने पंजाबी समुदाय से भी आग्रह किया है कि जातिवाद के फेर में ना पड़कर वो कांग्रेस को जिताने का काम करें। हम पहले भी सब मिल के काम करते रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को जिताएं। पंजाबी, गुर्जर, जाट और उसमें कांग्रेस समर्थकों को नहीं पड़ना चाहिए। यदि इस बार भी जातिवाद और इन चक्रों में पड़े तो कांग्रेस को नुकसान हो चुका है, हो सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया, जब मैं 2000 के चुनाव में एमएलए बना और जब भी मंत्री बना, मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया, निष्पक्षता से काम किया और सारे पंजाबी समुदाय को गले लगाया और उनको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और इसके अलावा विजय प्रताप के जो समर्थक है, यूथ समर्थक हैं, नौजवान साथी हैं, वो उनका तो ये भी कहना है कि विजय प्रताप भी तो आधे पंजाबी हैं, उनकी पत्नी पंजाबी है तो आधे पंजाबी तो हम भी हैं। तो इस तरीके से पंजाबी समुदाय को कांग्रेस को जिताने के काम करना चाहिए और कांग्रेस सीधे तौर पर कभी भी जातिवाद, समुदाय और इस तरीके के को ज़्यादा नहीं मानती है, लेकिन कांग्रेस की निगाह में पंजाबी समुदाय का पूरा सम्मान है। तो दोस्तों देखते हैं रविवार को, यानी कल, मतलब रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पंजाबी समुदाय के संभावित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है दोनों सीटों पर, एक फरीदाबाद ओल्ड पर 9 लोगों ने और बड़खल सीट पर 4 लोगों ने, तो उनका ये दबाव या ज्ञापन देना, नेताओं से मिलना, क्या कोई कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बना पाएगा? और ये दबाव क्या ओल्ड फरीदाबाद या बड़खल से किसी पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिलाने में कामयाब हो पाएगा? इसका पता तो रविवार को जब ये लोग कांग्रेस के आला अधिकारियों से मिलेंगे, जो मैंने नाम भी आपको बताए हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि पंजाबी समुदाय के इस दबाव पर कांग्रेस आला कमान, हाई कमान झुकता है या नहीं झुकता है, या उन्हें किस तरीके से राजी करता है, नॉर्मल करता है कि जिसको भी कांग्रेस हाई कमान टिकट दे उनके साथ उन्हें सबको लग जाना चाहिए। जाति बिरादरी के चक्कर में फंसे, जाति धर्म के चक्कर में फंसे तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।